हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब मैं पूरे स्टेज बहुत अच्छा बहुत अच्छा तवज्जो चाहूं। अब मैं वो कौन हजरत है जिसके घर मियां बीबी में खटपट नहीं होता जी, कोई एक हजरत दिखा दो। क्या बात हजरत, कोई एक हजरत दिखा दो। अमा जहां खटपट नहीं वहां मोहब्बत कहां? मोहब्बत कहां? मोहब्बत है तो खटपट भी होगी। क्या बात हजरत, वाह। सब कोई योगी बराण थोड़ी है। क्या बात है, कुछ है ही नहीं माल मसाला जी। क्या बात है, दूसरा नकल करेगा तो वहां भेज देगा जहां जगह है, लेकिन उसको मालूम है कि मुफ्ती आजम के इस गुलाम पर हाथ डालेंगे तो कितना महंगा सौदा होगा। क्या बात है, तब बलिया भी पूरे भारत में बोलता दहाड़ के, दुश्मनों बुजदिलो, अरे तेरे बाजुओं में उतनी ताकत नहीं जितनी ताकत मेरे मुफ्ती आजम की आता। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो हुजूर, बहुत बहुत मुबारक हो। साल में दो साल में 150 खानकाहों के जलसों में सब जाते, लेकिन भारत में चंद ही खानकाहें ऐसी हैं जहां खानदान का नारा नहीं पसंद किया जाता, बरेली के अहमद रजा खान का नारा पसंद किया जाता है। और उसी खानकाह में हम लोग आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक आदमी बता दो जिसको सब मान ले। क्या बात, कोई एक आदमी बता दो जिसको सब मान ले, मिलेगा? अरे बोलो ना, मिलेगा? क्यों? कोई एक हजरत बता दो जिसको सब हजरत मान ले। लेकिन वाहरे आला हजरत, बहुत अच्छा, कब बोलोगे यार, बोल दो। हर हजरत के आंगन में आला हजरत के मसलक का झंडा लहरा। अब जहन को करीब करना, बहुत अच्छा। झूठ बोलते तुम्हारे बेटे झूठ कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको फेल कर दिया, डॉक्टर नहीं बनने दिया, इंजीनियर नहीं बनने दिया, आईएएस नहीं बनने दिया, आईपीएस नहीं बनने दिया। झूठ झूठ। कीमती और बढ़िया मोबाइल देकर अपनी औलादों को आवारा बनाने वालों, है किसी बाप की हिम्मत जो अपनी औलाद की मोबाइल चेक कर ले, अंदर का मर्द मर चुका है, नहीं कर सकते हो। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आवारगी की सारी हदें बच्चे पार कर रहे हैं। अमा बेटे तो बेटे, गैरतमंद हो तो घर के आंगन की इज्जत बचा लो। क्या बात, कुंवारी बेटियां 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक मोबाइल के डब्बे मोल जी, है किसी मां की हिम्मत जो पूछ सके कि बेटी रात को तू 12 बजे क्या कर रही है? नहीं पूछ सकती। सुहेले मिल्लत का यही मिशन है, यही मिशन है, यही मिशन है। मां
रात के सन्नाटे में बेटियों के हाथ का मोबाइल ले लो और साफ कह दो, बेटा इस डब्बा के जरिए बजाए आदमी से बातें करने के, चल वजू कर ले, सजदे में सर रखकर मौला से बातें करने। बहुत अच्छा पैगाम है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा, सुभान अल्लाह। झूठ बोलते आपके बेटे झूठ। मैं भी बिहार में खुद रोज सुबह शाम बीडीओ सीओ तहसीलदार कलेक्टर एसपी डीएम कमिश्नर इसी में तो उलझे रहते हैं। झूठ बोलते हैं आपके बच्चे, झूठ बोलते हैं। गरीबी का रोना रोने वालों, अरे मेरे रसूल का आशिक कभी गरीब हो नहीं सकता। क्या बात कही है हजरत, बोल ना यार, बोल ना, जोर से बोल ना, जोर से बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे रसूल का आशिक क्या बात है, कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं हो सकता। और बलियावी तो सीने की चोट, जंके की चोट पर कहता है सुभान अल्लाह, नारों से तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला आलिमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत 5 मिनट इजाजत। अरे बैठ जाओ, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद, अच्छा पैगाम। कहो कासिम, मुगल सराय याद है कि भूल गए? अरे अब उसका नाम बदल गया है। नहीं नहीं, इतना लंबा नाम है कि बड़े बड़े बाबा को याद नहीं रहेगा। जान करीब कर, नौजवानों दिल की डायरी पर लिख लो, और हो सके तो चौखट चूम कर जब निकलना आखिरी सलामी देकर, तो ये चौखट पकड़कर अहद कर लेना कि अब तक जिंदा थे अपने वजूद के लिए, अब आज से हम जिंदा रहेंगे अल्लाह के महबूब के लिए। बहुत अच्छा। मैं क्या कह रहा था, बंद करो गरीब होने का रोना, मेरे रसूल का आशिक गरीब हो ही नहीं सकता, और मेरे मुस्तफा के आशिक से बड़ा क्या बात है, धरती पर कोई अमीर हो ही नहीं सकता, नहीं सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर इसी अमीरी गरीबी पे बोला जाए तो रात बीत जाए जी, लेकिन एक आखिरी पैगाम अपने दिल की डायरी पर लेकर जाओ। एक आखिरी बात मैं पूछ लूं, क्या बात है माशाल्लाह, शहनशाह तरन्नुम हजरत असद इकबाल कलकत्ता बीबी। अच्छा जी हाँ, मिंबरे रसूल पर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्ता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, सब सुपरस्टार। जरूर कहीं सर्दी लगी, ठीक है ना बाबू, बस 2-3 मिनट। ए भाई, कितना बढ़िया आदमी मसलके आला हजरत का नारा लगा रहा, अब तो मेरे साथ मुसीबत है हजरत, इसका भी इस्तीफा आपके यहाँ पहुंचेगा ही। बैठो ना यार, तू कहाँ खड़े हो, पता है कौन खड़ा है?
भाई साहब बैठने का के पैसा लीजिएगा? ये मेरा रहे तब ना। बंद करो गरीब होने का रोना। ईमान वालों से बड़ा कोई मालदार होता है क्या? अमा बड़े बड़े राजाओं की औकात तौल दिया मेरे ख्वाजा के गुलामों ने। क्या बात है, झूठ बोलते आपके बेटे झूठ। हुजूर सुहेले मिल्लत से अर्ज करूंगा, पटना यूनिवर्सिटी में आज से 20 साल पहले जो जुलूस निकलता 12 रबीउल नूर का ना, तो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही हम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वीसी रहता है वही मसल्ला बिछाता है। क्या बात है, अच्छा है हजरत, वाह हजरत, ये ऑन रिकॉर्ड है जी। और इत्तफाक से चाहे बोर्ड कोई वक्त बोर्ड में चाहे कोई आवे, 12 रबीउल नूर के मेरे आका की मिलाद का तख्त भी वही लगाता है। बलियावी कुछ करे न करे, राजनीत में अकीदे की खूंटी कमजोर नहीं रहने दी, मजबूत हथौड़े से ठोका। अच्छा है, बहुत अच्छा करना है जी। तो बच्चे कुछ आए बोले बलियावी साहब आपकी तारीख चाहिए। हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हॉस्टल के सारे तलबा मिलकर के मिलाद शरीफ कराना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, तो मैं देखा जो दावत देने आए थे वो बुलेट मोटरसाइकिल पर, तो मैंने ताड़ लिया, यार मार्केटिंग तो यहां करनी है। मैंने कहा बलियावी की तारीख चाहिए? बोला जी। मैंने कहा मुलाकात है? बोला नहीं, मिलने के लिए आए थे। मैंने कहा बैठ। अंदर से आए, इसी बीच में कहीं से फोन आ गया, उठा लिए। उठा लिया तो कह दिया हाँ बोलो, बलियावी बोल रहा हूं। अब बच्चे खड़े बोले आप ही? मैंने कहा मैं बहुत मोटा नहीं हूं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं। बोला हजरत तारीख दे दो। मैंने कहा दूंगा, नजराना मालूम है? बोला हजरत जो बोलिएगा दूंगा। आज से 20 साल पहले। मैंने कहा 5786। दूसरी शर्त ये कि तकरीर होगी हॉल में। क्या बात है, माइक का चोंगा रोड पर नहीं लगेगा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल रईसुल कलम की तुर्बत पर रहमत और नूर की बारिश। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। जैसे ही बच्चों ने कहा सारी शर्तें मंजूर, जब पहुंचे हैं हॉल में तो गुलदस्ता और लेकर मैंने कहा किसी फूल को टूटने मत देना, आधी कीमत में फिर बिकेगा। बच्चों ने कहा कि हजरत क्या हो गया है? जैसे ही पहुंचा हुजूर सुहेले मिल्लत की दुआ चाहूं, मैंने कहा कि कहां गया प्रेसिडेंट, ला पैसा दे। तो उसको थोड़ी सी तकलीफ ही, बोला हजरत भरोसा नहीं। तो मैं भी थोड़ी मस्ती पर आ गया, मैंने कहा तेरे पर भरोसा है, जिस कागज पर गांधी जी है इस पर भरोसा नहीं, कब किसकी जेब में उठल के चले जाए। बजाय 5786 के 7786.92 रुपया लेकर आए। जैसे ही हाथ में लिया मैंने कहा ये अमानत है, इसे रख ले। क्या बात, रख ले। जिस दिन किसी बच्चे के जिस महीने में फी जमा ना हो सके। क्या बात है, वाह ये बात है।
उस दिन इस इमरजेंसी लॉक को तोड़ देना, क्या बात, और उसके बाद भी घट जाए तो आवाज देना बलियाबी को, हम मदरसा बनाने के लिए भीख मांग सकते हैं, क्या बात है, तो मदरसा बचाने वाली फौज तैयार करने के लिए भी भीख मांग सकते हैं। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान। अब मैं थोड़ी सी पिछली तारीख अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब की तवज्जो के साथ, इसी सहारनपुर की जामिया साबिरिया रजविया की जमीन की रजिस्ट्री की बात चल रही थी। वो सहारनपुर जहां अहले सुन्नत का पोस्टर लगाना मुश्किल था, लेकिन वारे मेरे आला हजरत मैदान के साइज के एतबार से मुजाहिद पैदा किया है। बहुत अच्छा हजरत, बोल दे यार, बोल दे जोर से, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, मैदान के साइज के एतबार से मुजाहिद, क्या बात है, वाह। जब इमाम हरम सऊदी अरबिया के अकीदे की दलाली पर उतरा तो रजा के मसलक का मुजाहिद हबीबुर रहमान, वाह क्या बात, सुभान, कब बोलोगे यार, कब, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं से वापस लौटे थे और उस जलसे में मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि अगर गरीब हो तो रोना मत, अब बाप की गुर्बत देखकर हिम्मत हारना मत, अगर पढ़ने वाला पढ़ना चाहे तो रिक्शा चलाकर पढ़ सकता है, बेशक हक है ये, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मेरी जिंदगी की, मेरी तारीख का एक छोटा सा हिस्सा। जब मैं सहारनपुर से लौटा था इसी हेमगिरी से रात को 11 बजे, ठंड का मौसम, एक रिक्शा वाला आगे आया, लुंगी पहने हुआ है, बिहारी स्टाइल की जैकेट, चेहरा छुपाए आगे आके कहता, सुल्तानगंज जाना है क्या? मैं बोला, तेरे को कैसे पता? बोला, नहीं मौली साहब लोग रहता है, चेहरा नहीं दिखा रहा था। मैंने कहा, हाँ कितना लोगे? बोला, साहब जो देना दे देना, हमको उधर ही जाना। जैसे ही अदारे शरिया के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने कहा, बोलो ना कितना दे दो। बोला, साहब देना हो तो दो वरना मैं चला। मैंने कहा, नाम तो बता दो ना। बोला, नाम पूछ कर क्या करते, देना है तो दीजिए वरना मैं चला। 20 साल पहले मैंने 50 रुपया दिया, बोला, साहब बहुत दे दिए हो, मुझे क्या पता एक दिन फिर यही लौट कर आएगा। ठीक 3 साल के बाद एक नई एम्बेसडर कार, धोती और हाफ कुर्ता पहने एक बड़े साहब, पैर में टायर की चप्पल थी, टायर की, और एक नौजवान पैर में हवाई चप्पल और बगैर आयरन की पैंट, खाली गाड़ी, खाली गाड़ी। इत्तफाक से रईसुल कलम इदारे शरिया में थे, ऊपर से जैसे ही मैं गाड़ी की आवाज सुना तो झांका। उस बच्चे ने उंगली उठाकर कहा, बाबा ये वही बलियाबी साहब जिसने हिम्मत दी थी। मैं नीचे आया, मैंने कहा, आप कौन बाबू, मैं नहीं पहचानता। उसने एक जुमला कहा, हजरत आज से कुछ साल पहले सर्दी में रात को जो रिक्शा लेकर आया था ना, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। और आज मैं एसडीओ बना हूं, एसडीओ मोबाइल के डब्बों से खेलना बंद करो,
जज्बात में उछल कर मुस्तकबिल पर कालिख मत पोतो, तूफानों की उम्र लंबी नहीं होती, मौतदिल हवाओं की जरूरत हर एक को है। मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़ो, इतनी मेहनत करके पढ़ो, इतनी मेहनत करके पढ़ो कि तेरा दुश्मन तेरे नंबरात को काटते काटते थक जाए, तेरे पैरों के नाखून तक न पहुंच सके। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और मुझे पूरा ही यकीन है, बहुत अच्छी बात हजरत, कि जिस दिन रजवी हो, वाहिदी हो, ताहिरी हो, बरकाती हो, अशरफी हो, हशमती हो, जिस दिन हमारे बच्चे मेहनत करके पावर वाला कलम ले लेंगे ना, उस रोज अपने पीरों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर रजा के अकीदे का मुसल्ला आप बचा लीजिए, पावर वाला कलम ले चुका हूं, इस कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं, आधा काम आप कर दीजिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत, शहजादगाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, जोर से बोल दे और मोहब्बत से, तो क्या मैं यकीन रखूं कि सुबह आखिरी सलामी पेश करने जाओगे तो चौखट पकड़ कर ये आहत करोगे? हाथ उठाएं सारे लोग, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितने लोग आहत कर सकते हो, निभाने की हिम्मत है, वही हाथ उठाना। ये अच्छा है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं नारा लगाऊंगा, ठोक के जवाब आप दे देना, अब किसी का हाथ नीचे न रहे। जी बहुत अच्छा हजरत, ऊपर का भी हाथ देख लेना, ऊपर का हाथ कमजोर होता है तब शहरों में चोरी होती है, ऊपर का हाथ अगर फिट रहे तो मजाल है किसी गरीब के घर का ताला टूट जाए। नारे तकबीर, थोड़ी दम लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, खानकाहे वाहिदी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। मेरे सरकार, तेरे कर्म की, तेरे अता की खैरात लेने हम सब आए हैं, अल्लाह अपने महबूब की आल के सदके हम सब के जान की, माल की, ईमान की, अकीदे की हिफाजत फरमाए, और इस मुल्क में ईमान वालों का हिस्सा अता फरमाए। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।